हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और चैप्टर है डिटरमिनेंट्स मींस सारणिक। और हम सारणिक के कंटिन्यूअस जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए आपके लिए आए हैं। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट 2x2 के सारणिक को सॉल्व करना और 3x3 के सारणिक को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर्टी समझाते समय हम कुछ इजी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए थे, लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेशली कुछ स्पेशल क्वेश्चन कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं। आप एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना कि सारणिक में देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं मीन्स जो सीधे सीधे बन जाते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी जिनको बना सकता है, वो मेरे पीछे के कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कर सकते हो। आज मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ जो दो तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला कि इन प्रश्नों की सहायता से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा बहुत डेप्थ में, मतलब कॉन्सेप्ट को लेके आया मैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन IIT के क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिए। और मैं हर क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैंने किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया है। देखिए, मेरा हमेशा फोकस कॉन्सेप्ट पर होता है। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट तैयार करूं जो कुछ क्वेश्चन को करके ही बहुत से क्वेश्चन बनाने की क्षमता पैदा कर ले, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे और क्वेश्चन तो लिमिटेड नहीं है। तो चलिए वन बाय वन अपन क्वेश्चन लेते हैं और हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन आज का लेते हैं डेल इक्वल, एक अपने पास सारणी किस तरह का है, देखिए √23 + √3, √23 + √3, √5 √5, √5 √5। सेकंड रो है √15 √46, √15 + √46। नेक्स्ट एलिमेंट इज √5 √10, √5 and √10। थर्ड रो इज √3 + √115, √3 + √115, एंड सेकंड इज √15 √5, √15 √5। देखिए, जैसे ही इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि उसमें मैं क्या करूं। अब देखिए, क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग टाइप का, यूनिक इसलिए है क्योंकि सब में रूट लगे हुए हैं, किसी को किसी के साथ माइनस करो, किसी के किसी के साथ प्लस करो, कुछ जीरो नहीं होने वाला है, ना नंबर सिंप्लीफाई होने वाले हैं, तो नेचुरली यहाँ पर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लगेगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट के साथ कुछ दूसरा ऐड हुआ है। तो मैंने अल्फा वाला आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि हम इसको दो डिटर्मिनेंट्स में, दो सारणिक में बांट सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से ही देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे चर्चा किया कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फटाफट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चन ही परेशान करते हैं, बाकी कॉमन क्वेश्चन हर कोई बना लेता है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसको हमको दो सारणिक में बांटना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी एक खास बात है, कैसे क्वेश्चन को फंसा के इसमें दिया हुआ है नंबर को, देखो कि दो पार्ट में हम बांट लें, सपोज √23 √15 और 3 को पहले में ले लूँ और इन दोनों को दूसरे में ले लूँ, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिक क्वेश्चन है ये, रेयर ऑफ द रेयर। मैं भले ही आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन सब में कुछ स्पेशल बात रहेगी, इसको आपको बिगिनिंग से ध्यान देना है और लास्ट तक वीडियो को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। तो यहाँ पर यदि मैं इन दोनों का पेयरिंग कर दूँ तो कुछ काम का नहीं होगा। तो पेयरिंग कैसे होगा, देखिए यहाँ पेयरिंग होगा, ये जो 3 है उसके साथ में इसको आना चाहिए, √15 को आना चाहिए, क्योंकि √3 √15 इसमें से हम कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, इनका और इनका पेयर है देखो। तो कैसे क्वेश्चन को इसमें इधर उधर कर दिया है, क्वेश्चन में √3 को इधर और इसको इधर कर देता तो बहुत आसान था, फटाफट दो पार्ट में बांटते और बना लेते, लेकिन क्वेश्चन में कैसे इस तरह से उसको चेंज किया गया है, ये आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आर्डर को चेंज करेंगे, इसको इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा √3
प्लस रूट ऑफ 23, इनको वैसे ही रहने दीजिए, रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 46 और यहाँ पर 3, सॉरी ना, ये एलिमेंट तो 3 है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 115, ये एलिमेंट को वैसे ही रहने दो, रूट 5 5 रूट ऑफ 15 और यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि मैं एलिमेंट के आर्डर चेंज नहीं करता, इनको अगल बगल नहीं करता, तो आप परेशान हो जाते, कई घंटे तक बनाते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता। इसको ऐसे नहीं समझना, ये क्वेश्चन, ये जो टेक्निक को नहीं पहचानेगा वो कभी नहीं बना पाएगा। कितने भी लेंथ में चले जाओ, 50, 100, 200 स्टेप कर लो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसलिए ये सब यूनिक ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है, क्लियर? तो इसको हम यहाँ ले आए। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये तीनों एलिमेंट को यदि हम अलग कर दें दूसरे डिटर्मिनेंट के साथ, तो आप ध्यान दो यहाँ पर रूट 23 कॉमन हो जाएगा। रूट 23 इसको 2 × √23 लिख सकते हैं, इसको 5 × √23 लिख सकते हैं, तो रूट 23 कॉमन। और यही यहाँ था, आप यहीं बिना ऑब्जर्वेशन के कहीं इसको अलग और इसको अलग कभी नहीं बनता क्वेश्चन, इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, दैट इक्वल, अब हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, इनको पहले, तो हो जाएगा √3 √15 एंड 3, और इसके बाकी तो इसको अपन कॉपी करेंगे, √5 √15 √5 √10 √5 और प्लस इसका सेकंड नंबर का डिटरमिनेंट, इस एलिमेंट को लेके अपन बनाएंगे, तो √23 √46 √115 एंड नेक्स्ट इज √5 √15 √5 √10 √5। ये दो पार्ट में हमने इसको बांट लिया। अब यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको अब दिख रहा होगा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से √3 कॉमन है क्योंकि √3 सब में है, यहाँ से √5 कॉमन है, √5 सब में है, यहाँ से √23 कॉमन है, यहाँ से √5 कॉमन है, क्लियर? तो इसको हम इस तरह से यदि कॉमन करें, दैट इक्वल, यहां से मैं कॉमन कर रहा हूं √3 √5 √3 × √5, थोड़ा ध्यान देंगे तो √3 कॉमन होगा, तो 1 यहां पर, 5 यहां पर, √3 ये हो गया 1 √5 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो बच गया √3, यहाँ से √5 कॉमन करेंगे किए हैं, तो 1 यहाँ से हो जाएगा √5 और यहाँ से हो जाएगा √3 और ये √5 √10 √5 प्लस। अब यहाँ पर आप देखो इसमें √23 कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन को पहले लिख दूँ, √23 × √5 कॉमन है यहाँ पर, तो एलिमेंट्स बचेंगे क्या, यहाँ 1, यहाँ पर √2 लिख सकते हैं इसमें, 2 × √23, इसको 5 × तो है अगर √5, यहाँ से √5 कॉमन करेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा √5 और यहाँ पर हो जाएगा √3, क्लियर? 5 × 2, हाँ यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है, देखिए यहाँ से आप कॉमन √5 को इसमें से ना करके इसमें से करिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, इतना आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कॉमन करना है, तो √5 को ये मैं C2 से कॉमन नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, √5 √15 यहाँ से मैं कॉमन करूँगा √5 को, तो वहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा √2 और यहाँ पर बचेगा √5 √10 √5, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर लिया था मैं, √5 √10 √5, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिया, √5 √10 √5, सॉरी, हाँ देखो यहाँ से समझ में आ गया ना, वैसा पॉसिबल नहीं, ये 5 है, क्वेश्चन मैंने बुक से ही गलत लिख लिया था,
ये करेक्ट कर लेना, 5 हो गए, ऐसे में तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, तो रूट 5 कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचेगा, अंडर रूट 5, ये दैट इक्वल। अब यहाँ पर देखो क्या खास बात है यहाँ पर, कि ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम के आइडेंटिटी हो गया, सेम हो गया। और मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि यदि दो रो या दो कॉलम समान हो तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 5 इंटू ये 0 हो गया क्योंकि ये और ये समान है, और प्लस यहाँ पर रूट ऑफ 23 इंटू रूट ऑफ 5, यहाँ पर भी देखिए ये और ये बराबर है, इसीलिए रूट 5 इसमें से भी कॉमन हो रहा था लेकिन मैंने उसमें से किया क्योंकि दोनों को बराबर करना था। तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, और दैट मीन्स 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं चार लाइन का क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। IIT JEE में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसका सॉल्यूशन कभी लेंदी नहीं होता, ऐसा नहीं कि 20-25 स्टेप में बने, वो बनता छोटा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ट्रिक्स होते हैं कि ऐसे कैसे। तो ये रेयर क्वेश्चन है, वैसे आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सब इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, मैंने कलेक्शन ही ऐसा किया है आपके लिए कि हर क्वेश्चन अपने आप में क्या हो, रेयर हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, कॉलम में रो कॉलम अपना वर्क करते रहो, धीरे धीरे वो 0 आ जाता है ना। तो क्लियर, ये प्रूफ हो गया। तो एक बार आप रिपीट करता हूँ क्या किए, एक यहाँ वाच करना है, इसके बाद कॉमन निकालने के टाइम में वाच करना है, और दो कॉलम को आइडेंटिटी बता दिए और दोनों फिर क्या, 0 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखते हैं आज का हम सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मैं चाहूँगा कि हर क्वेश्चन में मैं कुछ एक नई प्रॉपर्टी आपको बता सकूँ, लिमिटेड क्वेश्चन लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये है, इफ़ ABC आर इन AP, मतलब क्या है, ABC AP में है, मतलब किस में है, समांतर श्रेणी में है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ABC को AP में दिया है और हमको उसमें वैल्यू फाइंड करना है इसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल। डेल का मान ज्ञात करना है जो कि है 2i + 4, 5y + 7, 5y + 7, 8y + a, नेक्स्ट इज 3y + 5, 6y + 8, 9y + b, एंड 4y + 6, 4y + 6, 7y + 9, 7y + 9, 10y + 3। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ABC किस में है, AP में। देखिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो फटाफट बनाने के लिए भीड़ना ऐसा नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन से आप देखिए। यहाँ पर एक खास बात आप देख रहे होंगे, देखो कि यहाँ पर 2y है, फिर 3y हो गया, फिर 4y हो गया, 2, 3, 4 कंटिन्यूस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2, 3, 4। खास बात देखो, 4, 5, 6, क्लियर, बहुत जबरदस्त रहता है क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्वेश्चन मिलता है फटाफट बनाने के बारे में, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। देखो यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तभी वो प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएगा। हम बहुत बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमको आधा अधूरा समझ में आया रहता है और हम फटाफट उसमें बनाने में लग जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि किसी स्टूडेंट को अच्छा प्रैक्टिस हो तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जर्वेशन से बता देगा उसका आंसर कितना होगा, ओनली ऑब्जर्वेशन से, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखेगा। जैसे इसके पहले मैं जो क्वेश्चन बताया वो डिजिट्स का कैसे कॉम्बिनेशन देखेगा आंसर बता देगा। तो आप ऐसी कोशिश करिए कि इस तरह का क्वेश्चन IIT JEE में आए, यही पैटर्न है उसका, और बोर्ड में तो फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन से बता दोगे। अब आगे देखो,
यहाँ फोर वाई में खत्म हुआ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखो क्या जबरदस्त बात है इसमें, ये आप बनाना शुरू कर दोगे तो कभी वाच नहीं करोगे, ये चीज भी है इसमें। जैसे हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, हम क्वेश्चन देख के बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, इसलिए मैं पहले ही बोला कि मेरा फोकस केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने पर नहीं है, मेरा फोकस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने का है। इसके बाद देखो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जीरो गायब है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में भी जीरो आएगा, आप देखना। इसको देख के कोई नहीं बता सके कि इसका वैल्यू जीरो आएगा करके। देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ए बी सी यहाँ पर गायब है, क्लियर। अब ए बी सी किस में दे दिया है, ए पी में दे दिया है। तो यदि कॉम्पिटिटिव के पैटर्न पर कोई स्टूडेंट इसका तैयारी करे तो यहाँ पर देखो ए बी सी यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फोर से, तो वन टू थ्री, ए बी सी का वैल्यू वन टू थ्री होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और वन टू थ्री यदि ए पी में हो तो किस तरह की बात होती है। मैं आपको पहले ए पी के बारे में डिस्कस कर दूँ कि ए बी सी जब ए पी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, तो क्या होता है, ये दोनों का सम मतलब a प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू क्या होता है, b होता है। ऐसा होता है एपी में, या हम सीधा क्या कहते हैं, a प्लस सी इक्वल टू टू बी, ये समांतर श्रेणी में होने का खासियत है। अब मैं यहाँ पर बोला कि a का वैल्यू वन प्लस इसका वैल्यू कितना बोला मैं, वन टू थ्री, ये थ्री इक्वल b का वैल्यू कितना बोला, टू इंटू टू, देखो चार बराबर चार, कैसा ऑब्जर्वेशन है देखो। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन में इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार स्टूडेंट उसको यदि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, फिर देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा क्या है और आंसर फटाफट देने का। यदि इसी क्वेश्चन में यदि हमको पूछ दे इक्वल टू जीरो करके, और जिसका अच्छा प्रैक्टिस हो कि इक्वल टू जीरो लिख दे एंड बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ओरल बता देगा वन टू थ्री। और मैंने ऑब्जर्वेशन से कैसे बताया आप समझ गए होंगे, देखो y का वैल्यू होता है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और उसके साथ कांस्टेंट का कहाँ से शुरू होता है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो कौन तीन गायब है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि a का वैल्यू वन होना चाहिए, b का टू होना चाहिए, c का थ्री होना चाहिए। क्वेश्चन में बी सी का वैल्यू नहीं पूछा है ना, मैं एडिशनल डिस्कस कर रहा हूँ उसमें। या आई आई टी में क्वेश्चन आ जाए बोलेगा कि ए बी सी का मान कितना होगा, प्रैक्टिस वाला स्टूडेंट फटाफट बोलेगा वन टू थ्री। देखो वन टू थ्री में क्या हुआ, इसके एपी के प्रॉपर्टी को उसने सेटिस्फाई किया। ये है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से आप तैयार करोगे तो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। दैट इक्वल, अब हम यहाँ पर देखें एक खास बात कि ये टू है ये फोर है, चार और दो को जोड़ूँ तो छः हो जाएगा, और छः में इसको मैं घटाऊँ तो ये जीरो हो जाता, कब, जब ये क्या होता, सिक्स होता। तो मैं इसमें टू को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो टू डेल इधर टू को मल्टीप्लाई किया और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसका ऑपरेशन क्या है, इसका ऑपरेशन है आर टू, मतलब सेकंड नंबर के रो में मैं प्रोसेस कर रहा हूँ क्या, टू आर टू, सेकंड नंबर के रो में टू को मल्टीप्लाई करके उसी रो में लिख रहा हूँ। इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड में भी क्या लिखा, टू, क्योंकि हम किसी फिक्स नंबर का कांस्टेंट का डिटरमिनेंट्स के दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ना, सब में नहीं, जबकि मैट्रिक्स में अपन सब में करते हैं। तो ये वैसे ही हो जाएगा, ये हो गया टू वाई प्लस फोर फाइव वाई प्लस सेवन एट वाई प्लस ए। आप मेरा डिस्कस समझ गए होंगे, ए बी सी का वैल्यू पूछेगा तो सीधा वन टू थ्री है कॉम्पिटिटिव में, यहाँ नहीं पूछा है ना, यहाँ टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आएगा सिक्स वाई प्लस टेन ट्वेल्व वाई प्लस सिक्सटीन, और ये हो जाएगा एट्टीन वाई प्लस टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू बी, बाकी तो एज इट इज रहेगा, फोर वाई प्लस सिक्स सेवन वाई प्लस नाइन और टेन वाई प्लस सी, ये वैल्यू हो गया, दैट इक्वल। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यदि मैं इसको R1 और ये R3 को जोड़ दूँ तो दोनों को ऐड कर दूँगा तो 2 और 4 6, ये 6 है, और 4 प्लस 6 10, ये 10 है, तो दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रोसेस क्लियर है, कैसा क्लियर है, हम क्या करने वाले हैं,
R2 में प्रोसेस करने वाले हैं क्या, R2 माइनस किन दोनों को ऐड करके, R1 और R3 को, तो R1 प्लस R3 ये हमको प्रोसेस में लिखना है। दैट मीन्स हम R2 में सेकंड नंबर के रो में R1 और R3 को जोड़ के उसमें माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख दो, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, यहाँ पर हम लिखें तो ये दोनों ऐड होके 6y, और इसे माइनस होके क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ पर आप देखो 5, 7, 5, 12, 7 प्लस 8 12, ये 12 के साथ में जीरो हो जाएगा, और 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, तो इसके साथ में माइनस हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, दो जीरो आ गए। वैसे डिटर्मिनेंट्स में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार जीरो कहीं पर भी आ जाए, 1, 2 और 3 आ गए तब तो बहुत बेस्ट, 3 हमेशा नहीं आता। अब यहाँ पर आप देखो 18, तो 10 और ये 8, 18 और इसमें से होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि ए बी सी है। तो कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस ये दोनों का सम a प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी, ये हो गया दैट इक्वल। अब आगे आप देखो, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी एपी में है, तो चूंकि ए बी सी एपी में है, तो अभी मैं आपको बताया 2b इक्वल टू होता है ए प्लस सी एपी में होने के कारण, तो देयर फोर डेल इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी किसके बराबर हो गया 2b के, तो 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ये तीनों जीरो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या हो गया, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी, अब उसे मतलब नहीं है, दैट इक्वल लगातार एक रो में तीनों जीरो हो गए तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया जीरो, ये इसका आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन लेंदी नहीं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो इसमें केवल 1, 2, 3, 4 स्टेप में आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना डिफिकल्ट है। तो ऑब्जर्वेशन में मैं अब इसी क्वेश्चन को देखो, हमको पता चल गया कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आता है जीरो, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है। अब उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो आता है, सपोज इस क्वेश्चन को IIT लेवल में आपको पूछ दे, किस तरह से पूछ दे कि क्वेश्चन को ऐसी दे दे, क्वेश्चन को ऐसी दे दे इक्वल टू जीरो करके दे दे, यहाँ तो क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करने बोला, ये अलग पैटर्न है, अब मैं कॉम्पिटिटिव पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सपोज इतना इक्वल टू जीरो और क्वेश्चन में बोल दे, तो ए बी और सी का मान ज्ञात करो, या ए बी सी का मान होगा, अब चार आंसर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दिया रहेगा आपको, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट जिसका अच्छा प्रैक्टिस है, मतलब कॉन्सेप्ट में वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट में भरोसा रखता है, उसका आंसर अभी मैंने समझाया क्या, एक बार रिपीट करता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिसिंग एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू 1, 2, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। तो ये है आपको, देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपना जो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि सर IIT लेवल पर करा दीजिए, IIT का कोई अलग लेवल नहीं है, आपको जो 11th 12th क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को आप डेप्थ में पढ़िए, वही अलग से कोई हवा नहीं है। वो IIT JEE उस स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट है जो 11th और 12th की पढ़ाई को सुपरफिशियल करता है, सुपरफिशियल करता है मतलब ऐसे ही पढ़ लेता है, चलो टाइम पास पढ़ लेते हैं, फिर IIT के लेवल में जाना चाहते हैं, कैसे होगा। तरीका यह है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, एकदम शुरुआत से आप हर क्वेश्चन को उस लेवल पर तैयार कीजिए, माने कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जिन लोग बार बार मेरे को कमेंट्स करते हो कि सर ऐसे वाले क्वेश्चन तो बन जाते हैं, वैसे वाले कराइए, ऐसे वैसे वाला कुछ नहीं, आप मेरे हर वीडियो के हर लेक्चर को गहराई से समझिए, मेरा हर लेक्चर में कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ
कॉम्पिटिटिव के पैटर्नों को भी टच करेगा, बस आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ खास बात है और सफिशियंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसमें। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को दो मिनट में फटाफट, ये तो मुझे सब पता है क्या क्या करना है, लाख इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पर आप डिस्कस करो कैसा कैसा ऑब्जर्वेशन है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप दो बार तीन बार अगेन एंड अगेन देखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर देखते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो खास बात है वो मैं आपको बताऊं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ ये यूनिक क्वेश्चन है, मैं खुद लिख देता हूँ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अदर बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये IIT JEE के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा। ये प्रूफ दैट या प्रूफ करने पर बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करने अपने को, तो प्रूफ करने के लिए किस तरह का रिलेशन है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है B+C C+A B+C C+A A+B। नाउ नेक्स्ट रो इज Q+R R+P Q+R R+P P+Q Y+Z Y+Z Z+X X+Y इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 ABC PQR XYZ। देखो जैसे मुझे इसका राइट हैंड साइड याद है वैसे आपको भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करता हूँ, देखो यह क्वेश्चन IIT के लेवल का हो सकता है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन को सॉल्व करके ये लेके ये प्रूफ करना तो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सपोज इसको हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे और ये वाला पोर्शन दे के 4 ऑप्शन में ये पूछे कि 4 ऑप्शन दे दो उसमें से कौन सा होगा, तो हम ऑब्जर्वेशन से कैसे बता सकते हैं। देखो यहाँ पर B+C और ABC में A गायब है यहाँ और वो A यहाँ होगा, यहाँ पर देखो C+A क्या गायब है, B वो यहाँ है, यहाँ A+B आप समझ गए होगे, C यहाँ है। सेकंड आप रो कॉलम में देखो Q+R P यहाँ है, R+P Q यहाँ है, P+Q R यहाँ है, XYZ में यहाँ X मिसिंग है, यहाँ है Y मिसिंग है, यहाँ है Z मिसिंग है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को यदि स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है अच्छे से तो कॉम्पिटिटिव में ओरल आंसर दे सकता है इसका। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सीधा सीधा बनाने के बजाय क्वेश्चन के सेंस को, क्वेश्चन के मैसेज को आप समझिए कि वो कह क्या रहा है। इस तरह से आप सफिशियंट डिस्कशन करने के बाद उस क्वेश्चन को आगे बनाइए। इसके बाद इसको प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है और एक यूनिक प्रॉपर्टी पर है, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेके सबसे पहले हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ऐसा करने का क्यों जरूरत है, देखो ये जो रो है ये जो कॉलम है उसको मेरे को रो बनाना है, ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ B+C उसके बाद C+A A+B। इसमें ध्यान देखना बहुत लेंदी इसको एक्सपान करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, थोड़ा कंजस्टेड, थोड़ा ध्यान से आप समझना, वैसे दिखेगा क्लियर। तो ये रो को, एक कॉलम को मैंने रो बना दिया, अब इस कॉलम को मैं इस कॉलम को रो बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Q+R R+P P+Q। वैसे इसको X+Y Z+X और X+Y ऐसा हमने क्यों किया, ना रो को कॉलम में क्यों चेंज किया, इसको करने से आप देखिए यहाँ पर C R यहाँ पर C R Z A P Q A Q X। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बनेंगे आपको अलग अलग करने से B+C B+C C+A A+B Q+R R+P और P+Q। इसके बाद नेक्स्ट ये Y+Z होगा ना, सॉरी यहाँ पर मैं कैसे लिख दिया इसको, इसको बनाना है
इस कॉलम को रो बनाना है ना, तो वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख रहे हैं ना, रो को कॉलम बना रहे हैं। पर यहाँ पर आप देखो, उल्टा लिख लिया क्या, ये ऐसा हुआ, ये q प्लस आर, आर प्लस वी, ये y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस, क्लियर। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसको अलग अलग करने का। कैसा प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी को हम क्या, इस पार्ट को अपन अलग करेंगे दो पार्ट में, तो ये दो डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो जाएगा। चलिए अपन करते हैं, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी क्यू वाई, इसके बाद इसको लेंगे अपन सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, टू डिटर्मिनेंट्स में। आपको मालूम है प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसके लिए अपन लिखेंगे, तो कॉपी करेंगे अपन बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, और जो रेड इंक से किया है सेकंड डिटर्मिनेंट्स बनेगा, तो रहेगा सी आर जेड, फिर सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट्स का दो डिटर्मिनेंट्स बनाया, अब दो का हम चार बनाएंगे, कैसे करेंगे, ये इस पोर्शन को लेके अलग और सेकंड वाले के भी अपन उस पोर्शन को लेके अलग बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया मैं सेकंड पार्ट में, बी क्यू वाई, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट होगा ना सी आर जेड, इसको लिखने का जरूरत नहीं है ना, ए बी एक्स लिखना है, अरे इसको मिस्टेक कर लिया मैं, सेकंड पार्ट को लिखेंगे ना बी क्यू आई, बी क्यू आई, और जो रेड से किया हूँ सेकंड पार्ट है ए पी एक्स, नहीं नहीं यहाँ पर तो कर रहे हैं ना, पर सॉरी इसको दो पार्ट में किया हूँ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बी क्यू अब वाई, इसके बाद इसका दो पार्ट में अपन कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में ये आएगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, ये क्लियर। सेकंड पार्ट में सी आर जेड, दो बार लिख लिया था उसको मैं, सी आर, दोबारा लिखता हूँ इसको, बाय मिस्टेक मैं उसको उसी को दो बार लिख लिया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, दो पार्ट में एक बार रिपीट करता हूँ, देखो ए बी क्यू, फिर ये तो वही कॉपी होगा दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पर C प्लस ए, आर प्लस पी सी, ये कॉपी होगा, इसके बाद बी क्यू वाई तो कॉपी होगा, बी क्यू वाई ये कॉपी होगा, और हम सेकंड पार्ट को लेंगे सी आर जेड, सी आर जेड, क्यों बी क्यू वाई, ये तो लिख बी क्यू वाई को हमने चुके, सेकंड पार्ट में सी आर जेड लेंगे ना, सी आर जेड, ये बार बार मैं, थोड़ा ध्यान देना, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक ये वाला पार्ट यहाँ, दूसरा वाला पार्ट यहाँ, बाकी एज इट इज होगा। तो सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, असल में इस क्वेश्चन को मैं इतने बार एक्सपांड करना है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ये थोड़े बार देखिए, हमने अभी ये वाले पोर्शन को, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पोर्शन को दो पार्ट में बांटा, पहले बी क्यू वाई को लेके, फिर सी आर जेड को लेके, बाकी वैसे अब इसको फिर दो दो पार्ट में बांटना है इनको लेके। और यहाँ पर एक खास बात है कि शुरुआत में आपने देखा कि मैंने कॉलम को रो बनाया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे किया, वो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद देखो सी आर जेड और यहाँ पर भी सी आर जेड, तो फिर वो जीरो होने के कंडीशन में आते जाएंगे एक एक करके। तो इसका फिर हम इसको एक्सपांड करते हैं, देखिए दैट इक्वल, यहां छोटा छोटा लिख रहा हूं ध्यान देना, तो बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, अब इसका पहला वाला पोर्शन सी आर जेड, सी आर जेड, ये तो पूरा कॉपी होगा, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और x प्लस वाई प्लस, अब बी क्यू वाई तो वही कॉपी होगा बी क्यू वाई, और अब हम इस रेड वाले पार्ट को लेंगे ए पी एक्स, ए पी एक्स,
और ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस ये भी दो पार्ट में बटेंगे सी आर जेड सेकंड पार्ट इज सी आर जेड और ए पी एक्स और प्लस ये ए पी एक्स को क्यों लिखेंगे अपन एक मिनट यहाँ हम दो पार्ट में सी आर जेड ये भी होगा सी आर जेड ए सी आर जेड ये सी आर जेड और इसके बाद ए तो वही कॉपी होगा ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई प्लस इसका जो सेकंड पार्ट होगा सी आर जेड सेकंड पार्ट रेड वाला ए पी एक्स और ये वही होगा ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई ये दैट इक्वल अब इसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि कोई दो एक जैसे तो नहीं हो रहे हैं तो दो एक जैसे हो रहे हैं देखिए यहाँ पर क्या ये सी आर जेड ये इसीलिए ऐसा एडजस्ट किया गया है ये दोनों सेम हैं तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर तो वो तो जीरो हो गया और फिर हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे माने पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है दो दो पार्ट में बांटने वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये और ये मतलब जो प्रॉपर्टी है प्लस में हम डिटरमिनेंट दो पार्ट में बांट सकते देखिए यहाँ पर क्या हुआ है एक था दो बनाया फिर बीच वाले कॉलम को लेके इसका दो इसके बाद ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है ये अपने आप जीरो हो गया क्योंकि इसके दो कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए एक जैसे हो गए अब फिर हम इसको बांटते हैं देखिए तो इसको बांटेंगे तो क्या होगा बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स प्लस सेकंड पार्ट क्या होगा बी क्यू वाई सी आर जेड सेकंड पार्ट ये होगा बी क्यू वाई पहले लिया था ए पी एक्स ये हो जाएगा बी क्यू वाई तो इसके दो हो गए प्लस अब इसके भी दो होंगे पहला पार्ट बी क्यू वाई सेकंड ए पी एक्स थर्ड ए पी एक्स ये हो गया और इसका प्लस सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा इसका बी क्यू वाई ए पी एक्स अब ये रेड वाला बी क्यू वाई ये हो गया और प्लस ये वाला डिटर्मिनेंट्स जीरो हो गया प्लस अब मैं उसको दो पार्ट में बांट रहा हूँ यहाँ पर लास्ट वाले को ये अंडरलाइन किया हुआ तो जीरो हो गया क्यों बता दिया मैं वो है आएगा सी आर जेड ए पी एक्स और ए पी एक्स और सेकंड पार्ट में आएगा सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई इतने पार्ट में बटेंगे अब ये बस पार्ट पार्ट में बांटने का कॉन्सेप्ट है डिफिकल्ट नहीं है बस समझना है आपको कैसे कैसे बांटना है अब यहाँ पर कौन कौन सा जीरो हो रहा है देखो बी क्यू वाई ये वाला कॉलम इस कॉलम के आइडेंटिकल है ये भी जीरो हो गया और कौन सा हो रहा है देखिए बी क्यू वाई ये भी जीरो हो गया इसके बाद ए पी एक्स यही इस क्वेश्चन का खासियत है कि कैसे उसके कॉलम इक्वल होते जा रहे हैं देखिए इसके बाद सी आर जेड नहीं है ए पी एक्स बी क्यू ये नहीं है ए पी एक्स यह भी है इतने क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे सब के सब जीरो हो जाएंगे तो उसको मैं एक बार जीरो लिख देता हूँ और मैं उसको कॉपी करता हूँ देखो बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स ये प्लस
जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी उसको, प्लस और इसको हम लिख दिए, वैसे लिखने का जरूरत नहीं उसको, आप समझ गए उसको, हम डायरेक्ट गायब कर सकते हैं। मैं सीधा काम के चीज़ को लिखता हूँ, एग्जाम में भी आप उसको जीरो कर सकते हैं, बस रीजन बता देंगे कि कॉलम क्या है, आइडेंटिटी एक समान है। और ये हो जाएगा प्लस सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई। प्रूफ क्या करना है अपने को, टू ए बी सी आना चाहिए यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर हम रो कॉलम चेंज करेंगे, देखिए ए बी सी दैट इक्वल ए क्यू वाई, ए क्यू वाई बी क्यू आई ए पी एक्स बी क्यू आई सी आर जेड ए पी एक्स बी क्यू वाई हम इसको इस तरह से आइडेंटिकल चेंज करते हैं। सबसे पहले तीनों रो और तीनों कॉलम को अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब दो बार चेंज करें तो कोई फर्क, यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ आपको, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ और ये चला जाएगा यहाँ, और तीन बार हम चेंज करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो क्या हो जाएगा ए पी एक्स, ए पी एक्स और बीच में आ जाएगा बी क्यू वाई और लास्ट में चला जाएगा सी आर जेड प्लस। यही काम यहाँ पर भी करते हैं अपन, ए को यहाँ लेके आते हैं, ए यहाँ चलाएगा, बी यहाँ चलाएगा और सी यहाँ, तीनों आपस में चेंज हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आइडेंटिकल बना रहे हैं अपन। तो जाएगा ए पी एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ए पी एक्स बीच में आ जाएगा, बी क्यू वाई और सी आर जेड ये हो जाएंगे। दैट इक्वल दोनों सेम एलिमेंट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे टू हो जाएगा। देखो दोनों सेम है, ए पी एक्स बी क्यू आई सी आर जेड, तो दोनों ऐड होके दो बार, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी एक्स और बी क्यू वाई सी आर जेड। अब आपको याद होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लास्ट पोर्शन को, आपको याद होगा हम स्टार्टिंग में क्या किए थे, रो को कॉलम, कॉलम को रो किए थे, अब पुनः हम इसको इंटरचेंज कर दें तो दैट इक्वल टू हो जाएगा टू। देखो ये पूरे हम ये पूरे रो को क्या बना रहे हैं, कॉलम, तो ए बी सी ये हो जाएगा ए बी सी, इसको बनाएंगे पी क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू आर और लास्ट में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो ध्यान देना यहाँ पर मैं खुद कई बार थोड़ा इधर उधर लिख लिया था, तो इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें आपको टेक्निक समझना है। पहले तो कॉम्पिटिटिव के बेस पर मैं बोला कि ऑब्जर्वेशन से हम इसका आंसर बता सकते हैं सिर्फ देख के, फिर सॉल्व कैसे करेंगे एक बार रिपीट करता हूँ। इस एक डिटर्मिनेंट्स को, रो और कॉलम को हम पहले चेंज कर लेंगे, ऐसा करने से ही ये कैंसल आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसको हम क्या करना है, चेंज करना है, फिर इसको दो पार्ट में, फिर दो को फिर चार पार्ट में। अपने आप ऐसा करने से इसके जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होते जाएंगे, यहाँ यहाँ तो शुरू में हो गया, फिर यहाँ दो हो गया, यहाँ दो हो गया, यहाँ दो हो गया, अपने आप हो जाएगा वो, बस आपको प्रोसेस को समझना, वो अपने आप होते जाएगा। तो इतने सारे डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाएंगे और ये प्रूफ होगा। और यदि आप इसको ले के कहीं लेफ्ट हैंड साइड को लेके उसमें ऑपरेशन लगाने लगे, कॉलम को जोड़ना, कॉलम को घटाना, रो को रो के साथ करना, कुछ नहीं होगा, कई साल लग जाएंगे इसको लाने में कि आप इसको इसमें जोड़ दिए, उसको इसमें घटा दिए, ये कर दिए, और बनेगा भी तो बहुत लेंदी बनेगा। तो इसका प्रॉपर प्रोसेस देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन स्टेप में प्रूफ है, लेंदी नहीं है, बस इसको आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने क्या किया, उसको अलग अलग किया इसलिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि मेरा क्वेश्चन का कलेक्शन एकदम ईजी नहीं है, उसको आप कर सकते हैं ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स इतना डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ आपको रेयर ऑफ द रेयर कलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए हम क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ करना है क्वेश्चन, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेल इक्वल रो में है एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर। वैसे एक क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये गिवन है, ये जीरो की इक्वल है और हमको प्रूफ करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन। नाउ प्रूफ एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको गिवन है। क्वेश्चन क्लियर आपको? ये प्रश्न दिया हुआ है और हमको इस प्रश्न में प्रूफ करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ पर एक और खास बात दिया है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, माने वो अलग अलग हैं। दैट मीन्स सीधा हम क्या कर सकते हैं, x नॉट इक्वल टू y, मतलब इसका मतलब ये हुआ तीनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, तीनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसे भी तीनों आपस में बराबर होंगे तब तो क्वेश्चन का सेंस ही बदल जाएगा, फिर भी ये कंडीशन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं, दैट इम्प्लाइज ये डेल क्या है, जीरो के इक्वल है। ये क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ये एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वन प्लस वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड क्यूब, ये ले लिया। इसमें ऑपरेशन अपन अप्लाई करते जाते हैं, राइट हैंड साइड तो जीरो है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, शुरू से जीरो लिख लेते हैं अपन क्योंकि क्वेश्चन हमको पूरा ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सपांड करते हैं, मतलब इसके लिए तोड़ते हैं, जैसे अभी मैं प्रॉपर्टी यूज करते जा रहा हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का अलग डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, मतलब इतने को लेके अलग डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा ये, दैट इक्वल ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, एंड नेक्स्ट पार्ट इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू जीरो, दैट इक्वल। अब यहाँ से आप देखो इसको तो वैसे ही रहने दो, यहाँ से अपन एक्स कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 प्लस, यहाँ से एक्स यहाँ से वाई यहाँ से जेड कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स वाई जेड बाहर, यहाँ हो जाएगा वन एक्स एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ये और ये जो दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हो गए, एक जैसे हो गए। यहाँ पर हम बस क्या है इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए आप इसको यहाँ और इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, तो ये वन 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 यहाँ आ जाएगा और इसको तीन बार चेंज कर रहा हूँ, इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज वन वन वन, फिर यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिख सकते हैं जो वन वन वन, मतलब दोनों को एक जैसा किया रो को चेंज करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज। अब देखिए ये कॉमन है, ये डिटर्मिनेंट दोनों में से कॉमन है, तो दोनों में उसको हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा वन और प्लस यहाँ से बचेगा ये एक्स वाई जेड, ये हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या बचेगा, यहाँ से वन बचा वहाँ से वो, ये दोनों में कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट्स कॉमन लिया तो आएगा वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हमको मिल गया, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद फिर इजी करना पड़ेगा। देखिए तो दो जीरो इसमें कंटिन्यूस आ जाएंगे, तो बहुत आसान ऑपरेशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। क्या यहाँ कर दें आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, ये प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स वाई जेड ये। और यहाँ पर देखो इस रो में हम इस रो को माइनस कर रहे हैं तो वन माइनस वन जीरो, डबल जीरो लाना है बस। ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर y माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर वन जेड और जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर आप देखो वन प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर चूंकि दो जीरो आ गए तो हम इसको वन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं अपन, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन कर सकता हूँ, जीरो से तो हो ही जाएगा, यहाँ से इसको हम फैक्टराइज करें, गुणनखंड तोड़ें तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वैसे यहाँ से तो दोनों में से हम कॉमन कर लें और कॉमन करके उसको यहीं मैं कॉमन कर देता हूँ। ये हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ से y माइनस जेड, तो ये हो जाएगा जीरो वन एक्स प्लस वाई, जीरो वन वाई प्लस जेड और यहाँ वन जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर? दैट इम्प्लाइज वन प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब इसको हम वन के लिए सॉल्व कर देते हैं, ये वन है इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, ये हमारा प्रोसेस है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब y प्लस जेड और माइनस इसका इसके साथ, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज वन प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ से y y कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो इसके फोर फैक्टर हैं, मतलब इसको जीरो होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, बट अपने को पता है कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, मतलब x y के इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x y के इक्वल नहीं है। तो x माइनस वाई, एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, y माइनस जेड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो एंड जेड माइनस एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो जीरो नहीं हो सकते क्योंकि वो आपस में बराबर नहीं है। तो फिर किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो देयर फोर वन प्लस एक्स वाई जेड इज जीरो, नाउ एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई जेड ना नाउ एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन। तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि हमको क्वेश्चन के बेस पर इसको प्रूफ करना है कि ये हमको गिवन है और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे और सिंपल आसान क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान देना ये तीनों जीरो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दे आर डिफरेंट, वो अलग अलग है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो देखो मैं हर क्वेश्चन नए पैटर्न का ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नए पैटर्न पर ले रहा हूँ। देखो इसको आप समझते समझते बना सकते हैं, कि ध्यान रखना कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखने के बाद आप क्या है एक बार रिवीजन करिए और रिवीजन टाइम में वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन को लिखिए, और आपको प्रॉब्लम जाता है तो क्वेश्चन के स्टेप भी आप पॉज करके लिखिए। फिर मेरा आपको सजेशन है कि उस क्वेश्चन को एक बार अपने से आप बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपको कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसमें प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई एक्स 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 प्लस वाई एक्स एक्स, नेक्स्ट इज
5x plus 4y, 4x 2x, and next is 10x plus 8y, 8x 3x इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है x³। ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है इस तरह से, x³ प्रूफ करना है इसको लेके। यहाँ पर भी क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन को आप देखो कैसा है, देखो x का वैल्यू देखो 5 टाइम्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये 5 टू जा 10, y 2 जा 4 2 जा 8, 4 फिर उसका दुगुना 2 टाइम्स हो रहा है, इसका 5 गुना इसका 2 गुना, यहाँ 1 2 3, x³ इसको आपको प्रूफ करना है। तो नेचुरली आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड तो ला ही नहीं सकते, x³ लाना है। और सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो तुरंत ऑब्जर्व करना है कि ये वाले पोर्शन को अलग करना है। ये मैं इसी टेक्निक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान दिए होगे। कई लोग इसको, और देखो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके, आप गिन नहीं सकोगे इतने तरीके हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करता हूँ जिसके कारण मैं क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने का कोशिश करता हूँ। इसी को कोई क्या कर सकता है, इसको इसमें माइनस कर दिया, इसको इसमें माइनस कर देगा, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट्स को छोटा करेगा। मैं ऐसा नहीं करता, जब भी मैं प्लस देखता हूँ तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स को 2 पार्ट में बांट देता हूँ। 2 बांटने से अपने आप छोटा हो जाता है वो, एक बड़ा चीज़ को 2 बना दोगे तो काम तो आसान हो जाएगा ना। तो अपने अपने बनाने के तरीके हैं, हो सकता है कोई इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके एक्स को यहाँ से गायब करे, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करे इसको गायब करे, बहुत तरीके हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, डिटर्मिनेंट्स ही एक ऐसा मैथमेटिक्स है जहाँ पर मेथड के भंडार हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, कोई रो में काम कर रहा है, कोई कॉलम में कर रहा है, कोई और कर रहा है, भाई आपके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं और आप उसको अब तरह तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, तो इसको मैं लिया लेफ्ट हैंड साइड को और मैं सीधा 2 पार्ट में इसको बांट के लिख रहा हूँ ना, अब आप तो इतना समझ सकते हैं फटाफट। ये पार्ट को लिख रहा हूँ मैं एक्स 5x 10x, उसके बाद एक्स 4x 8x, और यहाँ पर x 2x 3x, और प्लस यहाँ से मैं अब ये वाले पोर्शन को ले रहा हूँ y 4y 8y, यहाँ से x 4x 8x। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में गिनती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, क्लियर दैट इक्वल। अब हम कॉमन करते हैं, जो कॉमन होता है देखो इसमें से भी x, इसमें से भी x, यहाँ से भी x, तो 3 बार x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यहाँ 1 1 1, यहाँ पर 5 4 2, यहाँ पर 10 8 3। ये हमने सभी रो में से एक एक x को कॉमन कर लिया, 3 बार किया तो x³ हो गया। प्लस यहाँ पर आप देखो, यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, अब यहाँ से y कॉमन है, तो हम इसमें x²y कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से x कॉलम से, यहाँ से x, यहाँ से y, तो 2 बार x, तो x²y। यहाँ से क्या y कॉमन किया तो 1 4 8, यहाँ से 1 4 8, यहाँ से देखो 1 2 3, इस तरह से हो जाएगा। अब सेकंड नंबर के डिटर्मिनेंट्स को आप देखो, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो दोनों आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दैट इक्वल x³, और यहाँ पर 1 1 1 5 4 2 10 8 3, और प्लस ये क्या हो गया 0 हो गया, इस प्रॉपर्टी से 0 हो गया दैट इक्वल। अब नेचुरली यहाँ पर 2 0 अपने को लाना है, तो इसमें इसको इसको इसमें माइनस कर देते हैं, तो x³, और ऑपरेशन हमारा क्या आएगा, c1 tends to c1 minus c2 and c2 tends to c2 minus c3। इसमें हम इसको माइनस करें 0, इसको इसमें माइनस किए 1, इसको इसमें माइनस किए तो 2 हो गया, इसमें इसको माइनस किए 0, इसको इसमें माइनस किए 2, यहाँ माइनस किए तो 5। ये बहुत आसान हो गया 1 2 3, ये दैट इक्वल x³।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस वन एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, और ये दोनों का तो 5 माइनस 4 वन होगा, दैट इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया, क्लियर। तो आसान क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ले लिए उसको आपको बताने के लिए आए हो क्वेश्चन है करके, तो ये यहाँ पर एक्स क्यूब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, और आज के मेरे क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन होगा, और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लिमिटेड बताता हूँ लेकिन सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हैं, आप लोग अपने बुक से और प्रैक्टिस। देखो देख, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक यूनिक प्रॉपर्टी लिया हुआ है, और इसको आप जीपी पर बेस्ड है, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर बेस्ड है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव एंड nth पीथ के कर्व ऑफ जीपी। देखो ए बी सी क्या है, ए क्या है, पीथ टर्म है, पीथ टर्म मतलब पीवा पद, बी क्या है, क्यूथ टर्म है माने क्यूवा पद, और सी क्या है, आर्थ टर्म है, ये गिवन है क्वेश्चन में, किसका, किसी जीपी का, क्वेश्चन आया समझ में, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, है ना, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स को, तो क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है, और आठवां पद आर्थ टर्म क्या है, सी है, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना ही है, लॉग ए पी वन, लॉग ए पी वन और लॉग बी क्यू वन और लॉग सी आर वन इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, क्लियर, क्यू वन आर वन। क्वेश्चन आगे समझ में आपको, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद आरवा पद क्रमशः ए बी सी है, तो इतने के बराबर हमको जीरो प्रूफ करना है, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, देखिए चूंकि अब सपोज कर लेते हैं, सपोज लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या है, कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो मतलब कॉमन रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वानुपात, ध्यान, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद और उसका कॉमन रेशियो मतलब सर्वानुपात क्या है, कैपिटल आर है, ये हमने सपोज कर लिया, तो गुणोत्तर श्रेणी के एनवें पद का फार्मूला अपने को पता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए इंटू पीथ टर्म बोला है ना, पीवा पद, तो ए इंटू आर टू दी पावर पी माइनस वन, क्लियर, क्योंकि एनवा पद एंथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी का, आप 11th क्लास में पढ़े हो, तो इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, और दैट इम्प्लाइज इसमें हम दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लॉग लिखना है, तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग ए इक्वल ये हो जाएगा लॉग ए इंटू आर टू दी पावर पी माइनस वन, और इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, इन टू है तो ये लिख सकते हैं लॉग ए प्लस, और लॉग में पावर होता है तो सामने आ जाता है, तो पी माइनस वन ये हो जाएगा लॉग आर, इस तरह से ए का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम बी का वैल्यू निकालना चाहें, बी बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है क्या, बी कौन सा पद है, क्यूवा पद है, तो ए इंटू आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, दैट इम्प्लाइज इसका भी लॉग लें तो ये हो जाएगा लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, दैट इक्वल इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन लॉग आर, ये
बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर टू दी पावर आर्थ टर्म, मतलब R माइनस वन, और लॉग ले लें तो लॉग C इक्वल टू लॉग A इंटू आर टू दी पावर R माइनस वन। इसको आगे सॉल्व कर लें तो लॉग C इक्वल टू लॉग A प्लस R माइनस वन इंटू लॉग R, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रूव करना है लॉग A लॉग B लॉग C है, उसमें लॉग A का वैल्यू, लॉग B का वैल्यू और लॉग C का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इस तरह से क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये हमको जीरो प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और मैं लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ लॉग A का। तो लॉग A का वैल्यू अपने पास ये है, वो हो जाएगा लॉग A प्लस P माइनस वन लॉग R, इसके बाद फिर क्या, ये P है ना, P वन, ये हो गया P वन। नेक्स्ट हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग B का वैल्यू, लॉग A प्लस Q माइनस वन लॉग R, और ये हो जाएगा Q वन। और नेक्स्ट इज लॉग A प्लस R माइनस वन इंटू लॉग R R वन। अब हमको इसको जीरो लाना है। अब कैसे ला सकते हैं आप जीरो, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, ये लॉग A है, लॉग A लॉग A, क्लियर। और यहाँ पर है P माइनस वन, तो P में यदि इसको माइनस किया जाए, मतलब इस कॉलम में इसको माइनस किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P माइनस वन और लॉग R का मल्टीप्लाई किया जाए, और इसके साथ में लॉग A, यदि इसको माइनस किया जाए तो जीरो हो जाएगा लॉग A लॉग A लॉग A। जीरो प्रूफ करना है ना अपने को। चलिए देखिए, हम मैं यहाँ पर दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, सी वन ये कॉलम फर्स्ट है, ये ध्यान देना ऑपरेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सी वन टेंस टू, सी वन में लिखूंगा क्या करके लिखूंगा, देखो इसमें मैं सी थ्री सी टू माइनस सी थ्री, थोड़ा स्पेशल केयर करना ना, सी टू माइनस सी थ्री, सी टू कॉलम टू माइनस सी थ्री, तो P माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन हो गए, और उसमें मैं लॉग R का मल्टीप्लाई करता हूँ इनटू लॉग R, और इसमें भी C1 वन टेंस टू C1 माइनस करता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन है, ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ मैं, C1 में माइनस करूँगा, मतलब ये पूरे C1 में माइनस करूँगा, C1 में क्या करके माइनस करूँगा, C2 माइनस C3, इसमें इसको माइनस करूंगा और साथ में इसके लॉग R को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा P माइनस वन लॉग R, Q माइनस वन लॉग R, R माइनस वन लॉग R बन जाएगा, क्लियर। और उसके बाद जब उसमें मैं जीरो करूंगा, माइनस करूंगा इसमें, तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये होगा P माइनस वन लॉग R, ये हो जाएगा Q माइनस वन लॉग R, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, जिसको लिखने का जरूरत नहीं, ऐसा लिखते नहीं डिटर्मिनेंट्स में, इसीलिए हम सीधा यहाँ पर कारण बताते हैं, चेक करने वाले टीचर्स उसको देख के समझ जाते हैं यहाँ क्या किया है। साइड में ऑपरेशन लिखने का मतलब क्या है यहाँ पर, यदि उसको मैं ना लिखूँ और प्रोसेस कर दूँ तो कोई ज़िंदगी में समझ ही नहीं पाएगा कि किया क्या गया है। तो टीचर्स चेक कैसे करते हैं, उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि तुमने क्या किया है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें प्रोसेस बहुत होते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से बचेगा लॉग A, यहाँ से भी बचेगा लॉग A, और यहाँ से भी बचेगा लॉग A, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ये हो जाएगा P Q R, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया, वन वन वन, ये हो जाएगा दैट इक्वल, तीनों में लॉग A यदि मैं कॉमन कर लूँ तीनों में, तो मैंने लॉग A कॉमन कर लिया, तो वन 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 P Q R वन वन वन। अब देखिए यहाँ पर जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं,
ये इसके इक्वल हो गया तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो में कुछ ही मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो, और यह आएगा प्रूव्ड, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और बहुत से एग्जाम में आ चुका है। इसके इम्पॉर्टेंट होने के दो तीन रीजन हैं। पहला ये कि आपको जीपी का प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, गुणवत्ता श्रेणी आप जानते हैं कि नहीं, ये चेक हो जाता है। दूसरा ये चेक हो जाता है कि आप लाग लेके साल में करना आता है कि नहीं, बाकी डिटर्मिनेंट्स जो प्रॉपर्टी हैं वो तो यूज़ होते ही हैं। तो देखिए आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन बस मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन आपको बताया, लेकिन पूरे 6 क्वेश्चन यूनिक हैं, ये कई 60 क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, और इस तरह से ये डिटर्मिनेंट्स कुछ क्वेश्चन में लेके अभी डिटर्मिनेंट्स का बहुत पोर्शन हमारा बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन डिटर्मिनेंट के साथ ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।